भक्तजनों, आप सभी का महाभारत रामचरितमानस बालकांड अध्ययन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बालकांड का अध्ययन जारी रखते हैं। तो सुकृत पुंज मंजुल अली माला ज्ञान विराग विचार मराला, धुनी अवरेव कवित गुण जाती, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों पुण्यों के पूज्य पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, नौ रस जप तप जोग विरागा ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ कर्म अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना काव्य के नौ रस होते हैं। काव्य के नौ रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर सुंदर जलचर जीव हैं, सबके जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुणगाना ते विचित्र जल विहिग समाना, संत सभा चहु दिसी अवराई श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई, अर्थात अमराई मतलब आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध विधाना क्षमा दया दम लता विताना, सम जम नियम फूल फल ज्ञाना हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया और दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम यम अर्थात अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है। नियम अर्थात शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। औरव कथा अनेक प्रसंगा तई सुख पिक बहुबरन बिहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक वाटिका बाग बन सुख सु विहंग बिहारु, माली सुमन सने जल सिंचत लोचन चारु। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है और जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गांव ही यह चरित संभारे तेई एही ताल चतुर रखवारे, सदा सुनि सादर नर नारी तेई सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं।
अति खल जे विषय वग कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा। सम्बुक भेक सेवार समाना, इह न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं, वे अभागे बगुले और कौए हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते। सरोवर के सरोवर अर्थात रामचरितमानस, क्योंकि यहाँ घोंगे मेंढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तेही कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे। आवत एही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। इसी कारण बेचारे कौए और बगल रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके वचन भाग हरि व्याला। गृह कारज नाना जंजाला, तय अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उसी कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। वन बहु विषम मोह मद माना, नदीम कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से भीहड़ बन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जय श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन संतना कर साथ। तिन कहू मानस अगम अति, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। ज्यों करी कष्ट जाई पुनी कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए हूँ न मज्जन पाव अभागा। अर्थात यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए, तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा काढ़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाई सर मज्जन मान पाना, फिर ही आवत समेत अभिमाना। जौ बाहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करी ताही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अभाग्य की बात ना कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापी ही नहीं तेही, राम सुकृपा बिलो कहीं जेही। सोई सादर सन मजनू करई, महाघोर त्रैताप न जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते अर्थात बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वहीं आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप मतलब आध्यात्मिक आधिदैविक अभिभौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर यह सर तंज ही न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चह एही सर भाई, सौ सत्संग करो मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते।
हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चक चाही, भई कभी बुद्धि विमल अवगाही। भयो हृदय आनंद उछाहू, उमगेव प्रेम प्रमोद प्रवाह। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर, उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरितासो, राम विमल जस जल भरितासो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल त्रंतरु मूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलियुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाज पुर ग्राम, नगर दुहू कूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी। राम भक्ति सुरसरी तही जाई, मिली सुकिरीत सरजू सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिलेउ महानदु सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग विच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबुरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुरसरही, सुनत सुजन मन पावन करही। विच विच कथा विचित्र विभागा, जनुसरी तीर तीर वन भागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे मानो नदी तट के आसपास के वन और वाद। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अनिगिनत बहु भांति। रघुवर जन्म आनंद वधाई, भवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती। इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता हैं। बाल चरित चहु बंधु के वनज विपुल बहुरंग, निरपरानी परिजन सुकृत मधुकर वारी में हैं। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी और उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सा विवेका।
श्री सीता जी के स्वयंवर को, स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वह इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनी अनुकथन परस्पर हुई, पथिक समाज सो सरी सोई, घोर धार भृगनाथ रिसानी, घाट सुबुद्ध रामवर वानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट है। सानुज राम विवाह उछाहू, सो शुभ उमग सुखद सब काहू, कहत सुनत हरसहीं पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं और जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परप जोग जनु जुरे समाजा, काई कुमीत के कई केरी, परिजासु फल विपत्ति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए। कैकई की कुबुद्धि इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित उप जप जप जाग, कली अगिखल अवगन कथन, ते जलमल बग काच काक। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलियुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौए हैं। कीरति सरित छहू ऋतु रूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी, हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहू। यह कीर्ति रूपणी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदाई शिशिर ऋतु है। वर्णव राम विवाह समाजु, सो मुद मंगलमय ऋतुराजु, ग्रीष्म दुसह राम वन गवनु, पंथ कथा खर अताप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंदमय मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निसाचर रारी, सुरुकुल साली सुमंगलकारी, राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बढ़ाई है वह निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती सिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा, भरत स्वभाव सुशीतल ताई, सदा एक रस वरनी न जाई। सती सिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वह इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी ही रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस्पर हास,
भायप भली चहु बंधु की जल माधुरी सुभास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, इसके सुनने से इसे गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कली कलसु गलानी, भवश्रम शोषक तोषक तोसा, समन दुरित दुख दारिद दोसा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानी को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन, सादर मज्जन पान किए ते, मिटे ही पाप परिताप ही हैं ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन एही वारी न मानस धोए, तय कायर कलिकाल विगोए, त्रसित निरखी रवि कर भाव का भारी, फिरही मृग जिमी जीव दुखारे। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल को भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही कलियुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहारे सुबारी, गुन गन गनी मन अनवाई, सुमिरी भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार जल के गुणों को विचार कर, उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी और शंकर जी को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंक रूहिय धरी पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनिर्वय कर मिलन सुभग संवाद। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि वर्षा ही प्रयागा, तिनही राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधान, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निग्रत हित चित्त जितेंद्रिय दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पते ही आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणिम, सादर मज ही सकल त्रिवेणिम। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। मकर संक्रांति देवता दैत्य किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं।
पूजे ही माधव पद जल जाता, परसी अखय पटु हरसही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्री श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूछते हैं, श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूछते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहां हुई मुनि ऋषय समाजा, जाहीं जे मज्जन तीरथ राजा। मज्ज ही प्रात समेत उचाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उस उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। आज के इस वीडियो अंक में हम अभी के लिए विश्राम देते हैं। अगले आने वाले वीडियो में हम बालकांड का आगे का अध्ययन जारी रखेंगे। आज्ञा दीजिए। जय श्री राधा, जय श्री राधा, जय श्री राधा, राधा राधा राधा।